सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। लॉकडाउन का दिन चल रहे हैं, सारा दिन घर में सिर्फ लॉक हो के, या उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आइए दोस्तों, आज मैं आपको जो मेरे जॉन सीरे टैडी थे उनके बच्चों का शो करवाता हूँ। ये मैंने अपने हाथ में एक उसका पट्ठा पकड़ा होगा, उसके जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर दोस्त ले जाते हैं, कुछ हैं जो मेरे पास ही हैं। आए मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए, ये जो जॉन सीरे टैडी, ये उनका पट्ठा है। इसकी आईज़ देखें आप, इसके जो पलके हैं वो कितनी येलो हैं। आईज़ इसकी भी जो है बोस की हैं बिल्कुल। मैं आपको इसके जो पर दिखाता हूँ, ये देखिए। मेरे पास मोस्टली जितने भी बर्ड्स हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो रखूँ जिनके परों में कुछ वाइब्रेशन ज़्यादा हो, पर कुंदे हड्डी के पूरे हों। ये देखिए, इसके भी लास्ट पर जो आलमोस्ट जो हैं पूरे हैं, नोमिकली थोड़ी सी बड़ी है इसकी दसवें से, बाकी शायद ये आप दोस्त इसमें भी वाइब्रेशन फील कर रहे हों। ये जो पेयर है, इसके जो बच्चे होते हैं दोनों, उनकी टेल्स जो है वो बिल्कुल बंद होती है, लेकिन मुझे इनको पकड़ने की आदत नहीं है, इसीलिए वो बुरा मान रहे हैं मैं पकड़ रहा हूँ। तो मैं इसके पंजे दिखाता हूँ आपको। खुश्क डार्क हैं, क्योंकि मैं इनको उड़ाता नहीं हूँ, सिर्फ ब्रीडिंग में ही रखे हुए हैं, तो इस वजह से उड़ाओ तो थोड़ी आंख भी चेंज करते हैं। कश्ती हड्डी है इसकी बिल्कुल। और ये दो भाई हैं मेरे पास, ये रखे थे कि एक फीमेल है एक मेल है, लेकिन निकले दोनों मेल। मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ, मुझे बताएं आपको ये कैसा लग रहा है बर्ड। स्टार्टिंग में जो था ये, इसकी जो मतलब नेक थी, ये इसमें सारे जों थे जैसे मोतियों वाले कबूतर होते हैं उस तरह के, लेकिन अभी एक इसने एक धागा साफ़ किया अपना, 10 पर साफ़ किए हैं, तो मतलब ये नेक डार्क करना शुरू हुआ। असल ये 2 साल के बाद अपनी पूरी प्रॉपर शक्ल पे आते हैं। मैं इसका दूसरा भाई ले के आता हूँ, तो मैं आके आपको ना दिखाता हूँ वो। जी दोस्तों, ये उसी जॉन सीरे टैडी जो मैंने जिसका बच्चा पट्ठा पहले दिखाया, ये उसका दूसरा भाई है। इसकी मैं इसका भी आइज़ क्लोजअप दिखाता हूँ आपको। ये देखें इसकी आँख, ये भी बिल्कुल बोस की आइज़ है, यरकान है। तो ये देखें इसका पर, इसका भी सेम क्वालिटी में वो सेम ही है, लेकिन इसकी जो नोमिक कनिंग है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। ये पर देखें आप, एक दूसरे के ऊपर इनका इतना ज़्यादा चढ़ाव है। टेल दिखाता हूँ, ये देखें टेल इसकी, ये बन टेल है। जो पहला पेड़ दिखाया था उसमें कुछ बच्चे टेल्स खोलते हैं, हड्डी जोड़ इसका भी पूरा जोड़ टाइट है, बंद है। मैं छोड़ के ये भी दिखाता हूँ आपको, इसके पंजे भी देख लें, इसके भी दूसरे अपने भाई की तरह। ये बच्चे जो हैं थोड़े से, ये कल दुम्बे निकलते हैं इनमें, इनकी जो टेल्स हैं कोई वाइट साइड इनमें पर नहीं आता ज़्यादातर। मैं इकट्ठे करके दिखाता हूँ आपको दोनों, ये दोनों बच्चे। ये देखें ये दोनों भाई हैं, ये जो मैं आपको पहले दिखाया था वो मुझे ऐसे लगता था जैसे फीमेल है, और ये पट्ठा है। ये अलग अलग झोल के हैं, एक झोल के नहीं है। जो मैंने पहले दिखाया वो छोटा है, जो बाद में लेके आया हूँ ये बड़ा है। मैं इनके माँ बाप भी आपको ला के दिखा देता हूँ, मैंने वैसे ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन चलें फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी दोस्तों, ये जोड़ा है जिसके ये पट्ठे हैं, इसकी वीडियो मैं बना के पहले अपलोड कर चुका हूँ। मैंने कहा दोस्तों को दिखा दूँ एक दफ़ा फिर से, इसका शौक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इनके साथ छोड़ के दिखाता हूँ एक दफ़ा फिर आपको। ये जी कंप्लीट फैमिली है जो मेरे पास ये टैडी है। इनके साथ मैं दूसरे जोड़े के बच्चे जो हैं वो मादियाँ कोई क्रॉस करूँगा। फ़िलहाल ये जो पट्ठे हैं अभी ये फारग ही पड़े हुए हैं मेरे पास, इनके साथ मैंने फ़ीमेल कोई भी नहीं लगाई। तो माशाल्लाह इनकी खड़ी होनी, इनकी नेक्स लेग्स दूसरे जोड़े के बच्चों की नस्बत थोड़ी सी लंबी होती हैं। अभी ये पट्ठे हैं साल साल के, ये 2-2 साल में जाके और डार्क हो जाएंगे और बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। इसके पहले भी मेरे पास 8-10 बच्चे थे, लेकिन बस दोस्तों को गिफ्ट करती हैं वो। ठीक है, सब अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना इससे ज़रा बच के रहिए। कोरोना वायरस से हम मुल्क पूरी दुनिया ही इस टाइम जो है परेशान है, इसकी वजह से अल्लाह पाक जो है
ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ٹھیک ہے دوستو، اجازت دیجئے، اللہ پاک جو ہے سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل پلیز سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں ویڈیو آپ کو اچھی لگے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اب اپنے ڈبل اے جوڑے کا شو کرواؤں گا۔